मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस देता हूं जो मैंने शायद अभी तक बोला नहीं, शायद पहले बोल देना था। मैं अब तकरीबन 19 साल से राजनीति में हूं और मैं हर स्टेट में गया हूं। बाढ़ आए, तूफान आए, सुनामी आई थी, हिंसा होती है, हम जाते हैं। 19 साल के एक्सपीरियंस में जो मैंने मणिपुर में देखा और सुना, वो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। मैंने पार्लियामेंट में बोला कि प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भारत माता की हत्या की है। मणिपुर में भारत को खत्म कर दिया है। मैंने ऐसे नहीं बोला था, ये खोखले शब्द नहीं है। मैं आपको समझाता हूं मैंने ये बात बोली क्यों। जब हम मणिपुर पहुंचे, हम लैंड किए, हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेटे एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा, उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेटी आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा, उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेटेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। इसलिए मैंने बोला हिंदुस्तान की हत्या मणिपुर में बीजेपी ने कर दी है। और जब मैंने कल प्रधानमंत्री को देखा हंसते हुए, मजाक उड़ाते हुए, मैं समझ नहीं पा रहा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस प्रकार से कैसे बोल सकता है। प्रधानमंत्री को यह पता नहीं लग रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है। छोड़िए, नहीं जाना चाहते हैं, उसके भी कारण है, शायद मैं बता नहीं सकता हूं आपको, उसके कारण है। मगर अगर जा नहीं सकते हैं तो मणिपुर के बारे में बोले तो हिंदुस्तान की आर्मी, आप सब जानते हो, सेना को आप जानते हो, जो मणिपुर में हो रहा है, हिंदुस्तान की सेना उसको 2 दिन में रोक सकती है। 3 दिन नहीं लगेंगे। अगर हिंदुस्तान की आर्मी को कहा गया कि यह तमाशा बंद करो, 2 दिन में यह तमाशा ड्रामा बंद हो जाएगा। प्रधानमंत्री मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग बुझाना नहीं चाहते हैं। यह है सच्चाई।